हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे ये 1986 में आई एक एनिमेटेड मूवी है। इस मूवी का नाम द ग्रेट माउस डिटेक्टिव है। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं जून 1897 में लंदन में ओलिविया फ्लेवरशम नाम की एक छोटी चुहिया होती है। वह अपने पिता हीराराम के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। हीराराम की एक खिलौनों की दुकान होती है। तभी अचानक वहाँ पे एक लंगड़ा चमगादड़ आता है और हीराराम को किडनैप करके ले जाता है। ओलिविया को पता चलता है बेकर स्ट्रीट नामक एक जगह पे एक डिटेक्टिव माउस रहता है। तभी वो उसे ढूंढने निकल जाती है मगर खुद खो जाती है। तभी उसे डॉक्टर डेविड नाम का एक चूहा मिलता है जो हाल ही में अफगानिस्तान में अपनी चल रही 66वीं रेजिमेंट की लंबी सेवा से लौटा है। वो ओलिविया को बेकर स्ट्रीट पे ले जाता है जहाँ पे डिटेक्टिव चूहा जिसका नाम बेसिल होता है वहाँ रहता है। ओलिविया पूरी कहानी बेसिल को बताती है। बेसिल को पता चल जाता है ओलिविया ने जिसको देखा है रेटिगन के एक सहायक फिजेट होता है जिसे बेसिल ने कई सालों से पकड़ने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। रेटिगन ने रोबोट बनवाने के लिए हीराराम को किडनैप कर रखा है। चूहों की रानी की नकल बनवा लेगा और इंग्लैंड पर राज करेगा। बेसिल, डॉसन और ओलिविया मिलकर तीनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वही लंगड़ा चमगादड़ फिज आया होता है रेटिगेंट का सामान लेने। वहाँ पे वह सारे फिज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे फिज उनसे बच जाता है और ओलिविया को साथ ले जाता है क्योंकि रेटिगेंट ने ही फिज को ऑर्डर दिया होता है लड़की को किडनैप करके लाए ताकि हीराराम उसके इशारों पर चल सके। फिज ओलिविया को रेटिगेंट के पास लाता है और एक बोतल में बंद कर देता है मगर गलती से फिज से अपनी एक लिस्ट सामान की एक लिस्ट टूट जाती है उसी दुकान पे जहाँ पे वह सामान लेने गया होता है और वह लिस्ट बेसिल को मिल जाती है और वहीं से डिटेक्टिव का असली खेल शुरू होता है। और फिर डिटेक्टिव बेसिल का दिमाग चलता है और भाई लोगों अपने डिटेक्टिव वाले माइंड से यह पता कर लेता है कि ये सामान की लिस्ट आई कहाँ से है। कसम से भाई डिटेक्टिव दिमाग तो ऐसा ही होता है। फिर बेसिल और डॉसन अपना भेस बदल के रेड ट्रैप नामक एक बार में जाते हैं। वहाँ पे वह लोग फिजेट को ढूंढ लेते हैं और रेटिगेंट के इलाके तक पहुँच जाते हैं मगर ये सब तो रेटिगेंट की एक चाल होती है बेसिल को पकड़वाने के लिए और बेसिल उसके जाल में फंस जाता है। और फिर रेटिगेंट मूस ट्रैप में बेसिल और डॉसन को बांध देता है और खुद रानी के महल के लिए निकल जाता है। और फिर बेसिल वहाँ पे हार मान जाता है। उसको लगता है कि रेटिगेंट में ज्यादा दिमाग है और उसके पास कम दिमाग है क्योंकि वो रेटिगेंट के जाल में फंस चुका है। डॉसन बेसिल को बहुत समझाता है वहाँ से निकलने के लिए मगर बेसिल तो हार मान चुका होता है। और फिर डॉसन उसे इमोशनल डायलॉग बोलता है और हमारे बंदे नहीं हमारे चूहे का दिमाग फिर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर वह बड़ी ही आसानी से उस मूस ट्रैप से निकल के और ओलिविया को भी बचा लेता है और वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेटिगन बकिंगहम पैलेस पहुंच जाता है और हीराराम का बनाया हुआ रोबोट जो रानी की शक्ल का होता है मूस डॉम की जनता के आगे ला देता है। खुद इस तरह से पावरफुल बनने लगता है और असली रानी को रेटिगन की बिल्ली पकड़ लेती है और वह नकली रानी रेटिगन को मंत्री बना देती है। और तभी वहां पे बेसिल, डॉर्सन और ओलिविया पहुंच जाते हैं और वह लोग असली रानी को बचा लेते हैं और रेटिगन का पर्दाफाश कर देते हैं और रेटिगन वहां से भाग जाता है मगर वह ओलिविया को अपने साथ ले जाता है। बेसिल, डॉर्सन और ओलिविया के फादर कई सारे गुब्बारों को मिलाकर एक वाटर बलून बनाते हैं और रेटिगन का पीछा करते हैं और वह सारे लंदन के बड़े से घंटाघर में जाकर टकरा जाते हैं। तब बेसिल रेटिगन के कपड़े घड़ी की मशीन में फंसा देता है और ओलिविया को बचा के उसके बाप के पास दे देता है और तभी घड़ी में 10 बज जाते हैं और घंटा घर से बहुत तेज शोर निकलने लगता है तो शोर के कारण दोनों नीचे गिर जाते हैं। बेसिल तो एक मशीन को पकड़ के बच जाता है मगर रेटिगन नीचे गिर के मर जाता है। बेकर स्ट्रीट पर वापस डॉसन बेसिल अपने कारनामों की बातें कर रहे होते हैं और ओलिविया उसके फादर वहाँ से उन्हें बाय बोल के चले जाते हैं और डॉसन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी बेसिल के दरवाजे पर एक नया ग्राहक आता है। बेसिल नया केस ले लेता है और डॉसन से पूछता है क्या वह उसका पार्टनर बनेगा और डॉसन हाँ बोल देता है और कहानी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।